हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? मस्त, चिल, फाइन, शानदार बेटा, ऐसे ही रहना आई होप, और मस्ती से मजे करना और अच्छे से स्टडी करना, ठीक है बेटा? चलो आज हम वापस न्यू लेक्चर के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं, और न्यू लेक्चर जो है ना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। क्यों पता है आपको? क्योंकि आपने पूरा पॉलिनॉमियल चैप्टर स्टडी कर लिया अभी तक, है ना? और इस पूरे पॉलिनॉमियल चैप्टर को आज हम एक साथ एक ही लेक्चर में, मतलब कि वन शॉट में पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स लिए पर टॉपिक के अकॉर्डिंग लिए, लेकिन आज के लेक्चर में हमने ना सारे लेक्चर्स को मिक्स कर दिया है, ताकि आपको क्या है कि पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और ब्रीफिंग हो जाए उसकी, क्योंकि समझ में तो आपको ऑलरेडी आ चुका है, आप पूरा चैप्टर स्टडी कर चुके हैं। ओके बेटा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ना बेटा, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल करना है, जरूरी है। तो बेटा, आप क्लास 6 to 8 के जो भी आपके ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं ना, उनके आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएसएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि एनसीईआरटी बेस के जो आपके बेटा स्कूल से एग्जाम्स होते हैं, उनकी भी आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हो। ओके, साथ में बेटा ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार, जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग टीम है बेटा, क्योंकि ये जो टीम है ना, ये बहुत अच्छी टीम है। आपको बताएं, ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स कंप्लीट करवा रही है ना, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बेटा इन फैकल्टीज के साथ में कंटिन्यू बने रहना, और फैकल्टीज के साथ में अपने डाउट्स क्लियर करते रहना, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? चलिए बेटा, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, ये तो आपको पता है ही सही। मेनली हम बात करते हैं कि कनेक्टिविटी की, किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास एक तो बेटा टेलीग्राम का। फटाफट से, अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से क्या करो, डाउनलोड कर लो, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे। ओके बेटा, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो वहां पर आपके देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ओके, तो उन ग्रुप्स में पता है आपको क्या है? उन ग्रुप्स में आपके लिए स्टडी मटेरियल और डीपीपीज है। तो फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ग्रुप्स को ओपन करो। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग बेटा अपना ग्रुप ओपन करना है अपनी क्लास का, ठीक है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, क्लास 6 का जो ग्रुप है उसका कोड हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिया है, वो है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का जो हमारा कोड है वो है t.me/ttb07, और क्लास 8, क्लास 9, मेनली बेटा हमारी तो क्लास 10th है, तो क्लास 10th का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb010। ओके, फटाफट से चले आगे। तो क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है, सब्सक्राइब करना है, और ग्रुप्स में जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे, वहां पर आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है बेटा। फटाफट से उसे रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। ओके, और अच्छे से प्रिपरेशन करना है ना, तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। क्या करना होगा आपको पता है? आपको हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा बेटा, वेबसाइट पर जो आप देख पा रहे हो टॉप पर, www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो ना बेटा, आपको काफी सारे वहां सैंपल पैकेजेस बने हुए मिलेंगे इस तरह के, ठीक है? उन पैकेजेस में क्या रहने वाला है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा। उन पैकेजेस में आपके लिए स्टडी मटेरियल रहने वाली है, साथ में आपके लिए हम टेस्ट सीरीज का भी एक ऑप्शन लेकर आए हैं। तो फटाफट से वेबसाइट पर गो थ्रू कीजिए, विजिट कीजिए, वहां पर अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट कीजिए। उन पैकेज में बेटा आपका स्टडी मटेरियल है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं वो क्लियर कर देता हूँ। आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है बेटा ओनली ऑन 9,000 रुपीज में। कितने में? 9,000 रुपीज में आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली। तो देर किस बात की है, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा आ जाओ बेटा प्राइस डिटेल पर। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशियंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो ऑन दी ऑन एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा? एक अच्छी टेस्ट सीरीज, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकूं। तो बिल्कुल बेटा ये ऑप्शन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। अब इस 3,500 रुपीज में आपको हम क्या क्या दे रहे हैं साथ में, वो भी देख लो आप। आपको हम पीरियोडिक टेस्ट पेपर के पैटर्न तो दे रहे हैं, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, और बाई वीकली क्विजेस का भी हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं इसमें। तो आप चाहें तो हमारे साथ पूरा पैकेज ले सकते हैं। अगर आप पूरा पैकेज नहीं लेना चाहते हैं, ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा आपको क्या करना होगा, यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश होंगे। क्यों होंगे? अरे भाई, डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, जो डिस्काउंट मिलेगा तो खुश तो होना ही है ना। बिल्कुल, तो आ जाओ बेटा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का बेटा? 30% का डिस्काउंट। तो फटाफट से
आपको कोड अप्लाई करना होगा तभी 30% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो फटाफट से इस कोड को नोट कर लो, या बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप कोड देख रहे हो ना, LS Live इतना अच्छा कोड है बेटा, ये आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दिलवाने वाला है। तो फटाफट से यहाँ कूपन कोड अप्लाई करो, और अप्लाई करते ही क्या होगा, आपका 30% लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये मेरा कोड है, आप नोट कर लो इसे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, 30% का डिस्काउंट दिलवाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे आपका फर्स्ट जो पैकेज है ना, उसका कॉस्टिंग प्राइस आपका 9,000 रुपीज़ है, देख लीजिए आप। तो बेटा इसमें से डिडक्शन हो जाएगा आपके 2,700 रुपीज़ का। कितने का बेटा? 2,700 रुपीज़ का। तो ये फाइनली ये पैकेज मिलेगा आपको 6,300 रुपीज़ में, जिसमें आपका कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल आ गया, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस आ गई, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज़, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें आएगी बेटा 6,300 रुपीज़ में। अरे तो बेटा देर किस बात की है, फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाओ। ओके, यही 30% का ऑफर आपके लिए टेस्ट सीरीज पर भी है, लेकिन कब? जब आप ये कोड अप्लाई करते हो। अगर कोड अप्लाई नहीं करते हो तो कोई डिस्काउंट नहीं है। ओके, अगर कोड अप्लाई करते हो तो गारंटी मेरी है डिस्काउंट दिलवाने की। ओके, तो फटाफट से बेटा क्या करना है आपको, कोड अप्लाई करना है। जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ 3,500 रुपीज़ की आपकी टेस्ट सीरीज है, तो यहाँ भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको 2,450 रुपीज़ में ही पूरी कंप्लीटली मिल जाएगी, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी, पीरियोडिक सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, बाई वीकली पीजेस भी मिल जाएंगे। ओके, तो बेटा क्या करना होगा आपको, कोड अप्लाई करने के बाद बाई पैकेज पर क्लिक करना होगा, और सीधा आप यहाँ पहुंच जाओगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आते ही आपके लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज हमने गिवन यहाँ दी हुई है। आप देख पा रहे हो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से बेटा आप चाहो ना, उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकते हो। ओके, जनरली बेटा अगर आपको इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है, देखो कितना अच्छा नंबर है, 9549044111। इस नंबर पर आपको क्या करना होगा, एक कॉल करना होगा, और जितने भी अपने डाउट्स हैं ना फटाफट से क्लियर कर लेने हैं। ओके बेटा, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाइए अच्छे से। ओके, चलो अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं आपको पता है ना, हम एक प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? अरे भाई प्रॉमिस करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी तो करनी है ना, करनी है ना बेटा मेहनत। तो बिल्कुल चलो मेरे साथ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी यहीं से ही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी। क्या करना होगा बेटा आपको, स्मार्ट स्टडी। तो फटाफट से स्मार्ट स्टडी के लिए फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए। आज हम पूरे चैप्टर की ब्रीफिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम वन बाय वन लेक्चर्स की ब्रीफिंग करते थे, आज हम पूरे चैप्टर की वन शॉट में ही क्या करेंगे, इसकी ब्रीफिंग करेंगे। ओके चले, तो बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 11, रिवीजन के नेम से है ये लेक्चर। ओके, क्लास 10th का आपको पता है ही सही। चले आगे, हम मेनली हम बात कर लेते हैं बेटा, ये लर्निंग आउटकम्स वगैरह, ये तो बेटा आपके लिए पूरा चैप्टर है, तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेनली तो आपके लिए पूरा चैप्टर है। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पर, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल टू वर्ड से मिलकर बना है, कितने वर्ड से बेटा, टू वर्ड से, पॉली एंड नोमियल। पॉली एंड नोमियल्स, पॉली का मीन क्या होता है बेटा, पॉली का मीन होता है आपके मेनी, क्या होता है, मेनी। और नॉमियल का मीन्स होता है टर्म्स, मेनी टर्म्स, मतलब कि एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, वो क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल होगा। ओके बेटा, पॉलिनोमियल स्टडी करने से पहले हमने उसमें जनरल डेफिनेशन, जनरल टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था, कि वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉफिशेंट क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल में ये सारी चीजें हैं। ओके, तो चलो हम वन बाय वन देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंट होता है। जैसे पाई, पाई क्या है, फिक्स्ड है ना भाई, पाई की वैल्यू या तो 22/7 या 3.14। ओके, मेरे हैंड में कितनी फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है, अरे भाई फिक्स है, फिक्स है ना, चेंज कर सकते हो क्या, सर हम तो कट कर देंगे, अरे कट कर दोगे, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे जितने भी अर्थ पर पर्सन्स हैं सबका, अगर कंपेयर करोगे तो सब में 5 ही तो है ना। वो हम कह सकते हैं कि कोई स्पेशल केस होता है जिसमें 3 रहती है, 2 रहती है, या किसी की रहती नहीं है, 1 रहती है, इस तरह से। तो ओके, तो फिक्स है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है। ओके, जैसे कोटा से जयपुर का जो डिस्टेंस है,
या कोटा से दिल्ली का डिस्टेंस जो है वो 500 किलोमीटर है, तो वो फिक्स है ना, चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? मतलब कि कांस्टेंट वो होता है जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। ओके, पाई हो गया आपका, कुछ भी ले लीजिए, काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ए सिंबल विच हैव ए सिंबल्स विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड ए वेरिएबल। मतलब कि एक ऐसा सिंबल जिसमें हम लेते हैं वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा देखो, जैसे अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ठीक है, या कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आपके पास वहां पर जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल के प्लेस पर आपने कोई नंबर पुट कर दिया। जैसे मान लो एक्स है, एक्स के प्लेस पर आपने कोई नंबर पुट कर दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? जैसे ही आपने वो नंबर पुट किया, तो उस पूरे एक्सप्रेशन की, पूरी इक्वेशन की क्या हुई? वैल्यू चेंज हो गई ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है 1 + x = 3। अब यहाँ पर बेटा आप अगर 2 पुट कर देते हो, तो ये 1 ऑलरेडी है, x के प्लेस पर आपने 2 पुट किया, तो क्या बन गया? ये 3 बन गया, देखो। ओके, तो इस जब आपके पास ये गिवन था, तो आपने यहाँ पर ये जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू था आपका, एक तरह से एक सिंबल था, है ना, इस सिंबल के प्लेस पर आपने क्या किया? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ने इसकी पूरी की क्या की? वैल्यू चेंज कर दी ना। तो यही क्या है हमारा बेटा यहाँ पर? वेरिएबल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलो अब देख लेते हैं हम जनरल टर्म्स में कुछ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉफिशियंट। कॉफिशियंट क्या होता है? अगर हम बेटा कॉफिशियंट की बात करते हैं, तो आपको जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कॉफिशियंट होता है बेटा हमारा इन द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉन्स्टेंट एंड ए वेरिएबल। मतलब कि प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट बेटा? कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से मिलकर जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होगा हमारा? कॉफिशियंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दिया है 7x, तो बेटा 7 क्या है आपका यहाँ पर? कांस्टेंट है। एक्स क्या है बेटा आपका? वेरिएबल है। तो बेटा 7x, तो देखो कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो फटाफट से, कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको? कॉफिशेंट मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर अब आपके पास आती है बात कि कॉफिशेंट हमें पता कैसे चलेगा, तो ये याद रखना, जो आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर होगा ना, वो उसका कॉफिशेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या एक्स है, तो एक्स का क्या है? वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के साथ में हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? 7 है, तो ये जो 7 है, ये इसका क्या है बेटा? कॉफिशेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे आपको यहाँ देख पा रहे हो, आपको एक इक्वेशन गिवन है 3x² + 5x + 2। अब बेटा यहाँ पर देखो फटाफट से, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पर x² भी है और x भी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉफिशियंट ऑफ x², तो x² जो ये वेरिएबल है, इसके साथ में बेटा कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? 3 है, तो इसका जो कॉफिशियंट होगा वो क्या होगा? 3 होगा। ओके, यहाँ पर देखो x वेरिएबल x है, और x के साथ में क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म 5 है, तो कॉफिशियंट ऑफ x क्या होगा आपका? 5 होगा। इसीलिए हमने बोला है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट ही क्या होता है हमारा? कॉफिशियंट होता है। ओके, क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट आता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मतलब कि कॉम्बिनेशन किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब कि आपके पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और आपके पास एक वेरिएबल है। क्लियर? अब कॉन्स्टेंट और वेरिएबल ये दोनों जुड़े हुए हो किससे? या तो एडिशन से, या सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लीकेशन से, या डिवीजन से। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 17 - x, ये 17 क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट है। x क्या है बेटा? वेरिएबल है। अब इन दोनों के बीच में जो साइन है किसका है बेटा? ये तो हो गया कॉन्स्टेंट, ये हो गया आपका वेरिएबल। अब बेटा इन दोनों के बीच में साइन किसका है? नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइन है, इसने क्या किया हुआ है? इन दोनों को बॉन्ड किया हुआ है, बांध के रखा हुआ है। ओके, तो ये क्या बना रहा है? एक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पर x², यहाँ x और यहाँ 12, तो ये यहाँ पर माइनस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन है, इन्होंने इसको क्या किया है? बॉन्ड करके रखा हुआ है। ओके, तो हमने यही बोला है कि कॉम्बिनेशन, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से बॉन्ड होकर रहे। ओके, क्लियर है? अगर इनके बीच में बेटा ये प्लस माइनस के साइन ना हो, तो क्या होगा? ये टर्म बन जाएगी। जैसे एक टर्म तो होगी 3x², सेकेंड टर्म होगी 4x, थर्ड टर्म होगी 12।
क्लियर है ना। इस तरह से मान लीजिए इनके बीच में कॉमा लगा देते हैं हम ऐसे, तो फर्स्ट टर्म तो क्या बन गई हमारी 3x², सेकंड टर्म 4x, ओके, थर्ड टर्म 12, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में याद रखना आपको कि कॉम्बिनेशन होना होगा वो किसका, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन से बॉन्ड होकर रहेगा। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट जिस बात का आपको देरी से इंतजार था, बहुत देर से, वो आपके सामने है, पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है उससे देख लेते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एफ एक्स, आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एफ एक्स। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो जस्ट मैंने इससे पहले ही बताया आपको, ठीक है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, और जो किस से बॉन्ड है, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से। ओके, तो यहाँ पर दिया है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एफ एक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ एक्स, किस फॉर्म में हो, ए नोट प्लस a1x + a2x² प्लस --a एन एक्स की पावर एन, मतलब कि आपके पास कोई एक ऐसा, ये एफ एक्स है, ठीक है, और ये एफ एक्स किस फॉर्म में हो, ए नोट प्लस a1x + a2x² प्लस a3x³ प्लस an x की पावर n, ठीक है बेटा। अब यहां पर आपके जो ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये जो है ना ए एन, ये सब क्या है बेटा, रियल नंबर है। क्या है बेटा आपके, ये रियल नंबर है, ओके क्लियर है। साथ में यहां पर कॉफिशियंट ऑफ एक्स जो है ना वो क्या है बेटा, ए वन है। कॉफिशियंट ऑफ x² क्या है, ए टू है। कॉफिशियंट ऑफ a³ क्या है, a³ है। इसी तरह से कॉफिशियंट ऑफ x⁻ क्या है, an है। ओके क्लियर है। साथ में ये जो नजर आ रही है आपको पावर 1, पावर 2, 3, n, ठीक है, इन्हें हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इन्हें हम पावर भी बोलते हैं, इन्हें हम डिग्री भी बोलते हैं, क्लियर है। और हमेशा याद रखना ये जो डिग्री रहेगी ये नॉन नेगेटिव रहेगी, मतलब कि इनकी इंडेक्स नॉन नेगेटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। ओके, अगर नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ था, ओके, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, जैसे एफ एक्स इक्वल ए नोट प्लस a1x + a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस an x की पावर n, ओके, जहां पर एक्स, ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सब तो क्या है, रियल नंबर है। x⁻ 1, x⁻ 2, इनके जो कॉफिशियंट है वो क्या है, ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ओके क्लियर है। साथ में यहाँ पर जो x की पावर रहेगी ये कैसी रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। कैसे रहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, चलो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन भी हमने स्टडी किया था ना बेटा, कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो फटाफट से यहाँ पर देख लो आइडेंटिफिकेशन की, अगर हम बात करते हैं √3x² + x - y, यहाँ पर इज अ पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या आपके पास ये, आपके पास ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है बेटा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर, देखो वेरिएबल की पावर कैसी है बेटा, पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव पावर है, नहीं है। ओके, सेकंड की बात करते हैं हम, √3x² + √x - 5/5x, ये जो है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, देखो जब आप इस एक्स को ओपन करोगे तो क्या इसे x⁻ 1/2 लिखोगे ना, बिल्कुल लिखोगे। तो यहां पर जब आप इसे 1/2 लिखते हो तो ये याद रखना, पावर कभी भी हाफ में नहीं होगी, पावर कभी भी हाफ में नहीं होगी, उसकी इंडेक्स कभी हाफ में नहीं होगी, इंडेक्स पूरी रहेगी, ठीक है, क्लियर है। इसलिए ये आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, इसी तरह से ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों बेटा, यहां से जब आप एक्स को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 5x⁻-1, क्या बनेगा, -1। और अभी मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स की जो पावर रहेगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, क्लियर है। तो आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गई ना, एक्स की जो पावर रहनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। सेकंड, एक्स की पावर कभी भी हाफ नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आई थी हमारे पास बात डिग्री की, डिग्री क्या होती है। तो डिग्री से मीन था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वही होगी आपकी डिग्री, ओके। जैसे यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई यहां पर, 1। यहां पर देखो वेरिएबल एक्स और एक्स, मतलब कि यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो फटाफट से,
यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर वन है, तो दोनों में से बड़ा कौन है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा आपका टू। थर्ड देखो फटाफट से, यहाँ पर वेरिएबल है आपके पास एक्स, अब एक्स की पावर देखना है आपको, डिग्री, डिग्री के लिए हमेशा ध्यान रखना पावर देखना है। तो यहाँ एक्स की पावर कितना है बेटा? वन। यहाँ एक्स की पावर टू और यहाँ एक्स की पावर थ्री। पावर नेगेटिव है क्या? नहीं है। पावर पॉजिटिव है? बिल्कुल है। पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है? नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा बेटा? थ्री होगा। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ओके चलो फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जनरली हम पॉलिनोमियल्स को है ना थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में बेटा? थ्री टाइप्स में। और इसमें मेनली हमारे टू टाइप्स ही स्टडी करने के लिए होते हैं, थर्ड टाइप तो सिर्फ हमारे लिए बेसिक इंट्रोडक्शन की तरह होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर आप बात करोगे तो पॉलिनोमियल को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो था हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म, टर्म्स के बेस पर, डिग्री के बेस पर और वेरिएबल्स के बेस पर। ओके देखो वेरिएबल के बेस पर तो मैं डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ आपको, वेरिएबल के बेस पर तो सिर्फ इतना सा था कि कितने वेरिएबल है उसमें, वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है या थ्री वेरिएबल है, मतलब वन वेरिएबल ओनली एक्स, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड। ओके इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर और टर्म्स के बेस पर, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो वन बाय वन हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो डिग्री के बेस पर हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है और फर्स्ट टाइप जो हमारा है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, जीरो डिग्री। अब आपको समझ में आ गया जीरो डिग्री मतलब कि जिसकी डिग्री जीरो होगी, किसकी डिग्री जीरो होगी? जहां पर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री अगर जीरो है तो वो क्या होगा? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ओके क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा देखो जीरो डिग्री का मतलब हो गया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं हम उसे, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके क्यों बोलते हैं कांस्टेंट? देखो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना बेटा वो होती है एफ एक्स इक्वल ए। अब ए क्या था आपका पास पॉलिनोमियल में? अरे भाई ए तो रियल नंबर था। ओके अब अगर आप यहां पर ए की पावर देखते हो तो वो क्या होगी? जीरो होगी। और ये याद रखना कभी भी ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा। ओके क्लियर है? सेकंड था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसकी हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? वन होगी। ओके और इसकी जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं या जनरल फॉर्म बोले हम, वो होगी आपके पास ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। यहां पर देखो ये तो हो गया आपके पास एक्स, एक्स की पावर वन हाईएस्ट, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? ए। और ये जो बी है ये कॉन्स्टेंट टर्म है। और ये याद रखना है कि आपको ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आप ए की वैल्यू जीरो के इक्वल करते हो तो ये तो हो जाएगा आपका जीरो, ओनली बचेगा बी, तो बी से तो मेन क्या हो जाएगा आपका? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ओके नेक्स्ट था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अरे भाई यहाँ डिग्री जीरो है, यहाँ डिग्री वन है, तो क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री टू। क्वाड्रेटिक का रियल मीनिंग तो यही होता है स्क्वेयर, तो डिग्री कितनी आएगी यहाँ पर? टू। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर आपके पास टू है तो वो होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके और आपको मेनली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो और डिग्री के बेस पर पहचान लो फटाफट से, चले आएंगे। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा? पावर थ्री। तो वेरिएबल की जो पावर रहेगी कितनी रहेगी? थ्री रहेगी। फटाफट से देखो ये लो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल जीरो। इक्वल जीरो करते ही तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना? क्या बनेगा बेटा? इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। जब तक ये इक्वल जीरो के नहीं है तब तक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके तब तक ये पॉलिनोमियल है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर याद रखना है आपको कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट टर्म में ए की वैल्यू जीरो कर दोगे ना तो अगला जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक में अगर जीरो कर दोगे तो बाकी जो बचा वो लीनियर बन जाएगा। लीनियर में अगर जीरो कर दोगे आप तो जो बचेगा वो क्या बन जाएगा? कॉन्स्टेंट बन जाएगा। ओके क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? फोर हो। अरे भाई
जीरो स्टडी कर लिया हमने, वन स्टडी कर लिया, टू कर लिया, थ्री कर लिया, तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा, फोर ही होगा ना। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी बेटा आपके पास वो होगी ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहां पर भी ए नॉट इक्वल टू होगा आपके पास जीरो। ओके, मेनली आपको यहां पर ये जो नोट है ये याद रखने हैं। इन नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो नोट्स के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि ये पॉलिनोमियल हैविंग फोर और मोर देन फोर टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें फोर या फोर से ज्यादा टर्म्स, डज नॉट हैव पर्टिकुलर नेम, तो उनका हम एक पर्टिकुलर नेम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, क्लियर है। और यहाँ पर एफ एक्स इक्वल जीरो इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और इसकी डिग्री हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देख लो फटाफट से। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें आपने वन बाय वन देख ली सारी चीजें। जब आपके पास डिग्री जीरो तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री वन हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री थ्री है तो क्यूबिक, डिग्री फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक और डिग्री फाइव है तो क्वांटिक। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, ये हम सारे लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। बस मैं आपकी एक बात ब्रीफिंग कर देता हूँ कंप्लीट चैप्टर की, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एनटीएससी लेवल्स के होंगे, तो वहां पर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो आप। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हमने पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, उसमें फर्स्ट है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली क्या हो, वन टर्म हो, ओनली वन टर्म, जैसे 8y, 7y स्क्वायर, 8z, 14x। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी देख रहे हो वहां पर, वन। बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारे पास, टू। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर टू है तो वो होगा आपका बाइनोमियल। देखो एग्जाम्पल, ये वन टर्म एंड वन टर्म, कितनी टर्म हुई बेटा, टू टर्म, वन टर्म एंड वन टर्म, वन टर्म वन टर्म, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो हमारे पास, थ्री हो, तो वो क्या होगा हमारा ट्राइनोमियल। वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहां तक। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बात किया था हमने बेटा एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज है हमारी, उसके बारे में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैंने आपको काफी अच्छे से क्लियर कर दिया था सारी चीजें। ओके, बस आपको इसमें फॉर्मूलाज याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है या x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड टू ए बी। ओके, इसी तरह से x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, एज इट इज हमने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी स्टडी किया, तो वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। चाहे आप ए बी सी की फॉर्म में लिखो, चाहे एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब तो आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी एंड ए प्लस बी। इसी तरह माइनस में यहाँ पर माइनस आ जाता है, ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर चुके हैं बेटा मेनली। हम चलते हैं नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करना। तो पॉलिनोमियल की हम वैल्यूज किस तरह से फाइंड करते हैं, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो वहां पर एक्स के प्लेस पर अगर आप ए पुट करते हैं, क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स के प्लेस पर ए, तो वहां पर उस पॉलिनोमियल की जो आपको वैल्यू फाइंड होगी वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, जैसे देखो यहाँ पर यह हमें एक पॉलिनोमियल दिया है एफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। ठीक है बेटा, अब देखना वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको एक्स के प्लेस पर पुट करना है, वेरिएबल के प्लेस पर, मान लो यहाँ पर वन पुट करना है आपको, क्या पुट करना है, वन, वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस फोर। तो फाइनली बेटा वन प्लस थ्री प्लस फोर कितना हो गया, ये एट हो गया। ओके, तो ये जो एफ ऑफ ए है, मतलब कि एफ ऑफ वन, ये क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है? तो यही बोला है हमने कि अगर हम x के प्लेस पर a पुट करते हैं और a पुट करने पर जो हमें वैल्यू फाइंड होती है वही क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, चलो नेक्स्ट था आपका जीरोज और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो और पॉलिनोमियल के रूट्स, रूट्स एंड जीरोज एक ही बात है ना, इसलिए घबराना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रियल नंबर अल्फा इज ए रूट और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल जीरो, या एफ ऑफ ए बोल लीजिए, एक ही बात है। देखो मैं बता देता हूँ, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स,
ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल है। क्या है ये? पॉलिनॉमियल है। अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा, इस पॉलिनॉमियल में आपको एक नंबर पुट करना है। नंबर पुट करना मतलब कि एक्स के प्लेस पर, अगर आप यहां पर मान लीजिए एफ के प्लेस पर आप पुट करते हो 2, एक्स के प्लेस पर क्या पुट करते हो 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो ये हो गया आपके पास 4 माइनस 8 प्लस 4। फाइनली 8 माइनस 8 इक्वल क्या मिला बेटा आपको? 0। क्या मिला? 0। तो आपने क्या देखा बेटा, यहां पर एफ ऑफ 2 पुट करने पर हमारा ये पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो गया? 0 हो गया। तो यही क्या है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अगर हमारे पास कोई नंबर है ए और अगर हम उसे पुट कर देते हैं एक्स के प्लेस पर, तो एक्स के प्लेस पर पुट करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0। और वो जब 0 मिलेगा तो वही होगा उस पॉलिनॉमियल का जीरोज। ओके चलो, फिर आई थी आपके पास रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कशन की बातें। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनॉमियल, आपके पास एक पी एक्स है पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसकी डिग्री या तो 1 से ग्रेटर देन है या 1 है, एंड ए बी एनी रियल नंबर, वहां पर जो ए है वो रियल नंबर है, एंड इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, मतलब कि जब आप कोई पॉलिनॉमियल है पी एक्स और इस पॉलिनॉमियल पी एक्स को डिवाइड करते हो एक्स माइनस ए से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या होगा? आपका रिमाइंडर ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ओके क्लियर। चलो आ जाओ मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से अगर एक्स माइनस ए और अगर हम इसे 0 के इक्वल कर देते तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? ए। मतलब कि इस पॉलिनॉमियल में पी ऑफ ए पुट करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी? आपकी रिमाइंडर। ओके फॉर एग्जाम्पल देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, ये आपके पास बेटा एक पॉलिनॉमियल है। ओके और हम इससे डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से। किससे डिवाइड करते हैं? एक्स माइनस ए से। ओके ये लीजिए, तो बेटा यहाँ से एक्स माइनस वन, सॉरी यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 ही फाइंड होगा। ओके तो आप अब क्या करो, यहां पर एक्स के प्लेस पर 1 पुट कर दो, 3 1 दी पावर 4 माइनस 4 1 दी पावर 3 माइनस 3 1 और माइनस 1। ओके तो चलो फटाफट से देख लो बेटा, ये तो हो गया आपका 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। तो देखो ये तो गए कैंसल, यहां क्या बचा? -5। तो ये जो -5 मिला आपको, यही क्या मिला बेटा? इसका रिमाइंडर मिला। ओके तो हमने यही तो बोला है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है पी एक्स और उस पॉलिनॉमियल को हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं बेटा? एक्स माइनस ए से। तो एक्स माइनस ए पर से डिवाइड करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही होगा हमारा रिमाइंडर। ओके चलो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है? एज इट इज आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है पी एक्स और उस पॉलिनॉमियल को आप डिवाइड करते हो एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस ए से डिवाइड करने पर अगर आपको रिजल्ट क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, पी ऑफ एक्स इक्वल क्या मिले आपको? 0। तो वो क्या होगा? फैक्टर होगा उस पॉलिनॉमियल का। ओके चलो देखो कैसे। देखो लेट पी एक्स बी ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी ए रियल नंबर सच दैट पी ऑफ ए इक्वल 0, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कन्वर्सली इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इक्वल 0। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, ये आपका पॉलिनॉमियल, इसको डिवाइड कर रहे हो आप एक्स माइनस ए से। ओके अब देखो अगर यहां से आप एक्स माइनस ए इक्वल 0 कर देते हो तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? ए। तो पी ऑफ ए पुट करने पर अगर आपके पास जो पॉलिनॉमियल दिया है वो पॉलिनॉमियल 0 हो जाए, तो ये जो ए है वो क्या है? इस पूरे पॉलिनॉमियल का 0 है। अगर इस पॉलिनॉमियल का ए 0 है तो एक्स माइनस ए क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक्स माइनस ए इसलिए फैक्टर होगा कि एक्स की वैल्यू जब फाइंड करते हो आप तो ए मिल रही है, इस ए को इधर लेकर आओगे तो माइनस ए हो जाएंगे ये। ओके क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैं आपको वैसे क्लियर कर चुका हूँ लेक्चर्स में, बस मैं एक बार आपकी ब्रीफिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम डिवीजन एल्गोरिदम। पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल का डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने स्टडी की है कि आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है पी एक्स और एक पॉलिनॉमियल है जी एक्स। अगर आप पॉलिनॉमियल पी एक्स और जी एक्स जो टू पॉलिनॉमियल है जहां पर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो
तो वहां से आप फाइंड करते हो, क्या फाइंड कर सकते हो, QX और RX, क्लियर है, मतलब कि क्वेश्चन और रिमाइंडर। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है PX, ओके, और एक पॉलिनॉमियल है GX। जब हम इस PX पॉलिनॉमियल में डिवाइड करते हैं GX पॉलिनॉमियल का, तो हमें रिजल्ट मिलता है RX मतलब कि रिमाइंडर और QX मतलब कि क्वेश्चन, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा, किसी तरह की नहीं है, फटाफट से नोट कर लीजिए अगर करना है तो। आपके पास यहाँ पर जो PX रहेगा बेटा वो रहेगा डिविडेंड, GX रहेगा डिवाइजर, QX रहेगा क्वेश्चन और RX रहेगा रिमाइंडर। ये सारी चीजें आप स्टडी कर चुके हो, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर से नहीं रीड किए, नहीं स्टडी किए हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है बेटा, वहां से आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सक किया है मैंने वहां पर, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, मेनली हम बात करते हैं कि जब हमारे पास RX 0 है, रिमाइंडर 0 मिले, तो RX की जो डिग्री रहेगी ना वो लेस देन रहेगी किससे, GX की डिग्री से, मतलब कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी, लेस देन होगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 हो तो ये याद रखना, जब आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है PX और इस पॉलिनॉमियल PX में आप डिवाइड करते हो GX का, GX का डिवाइड करने पर अगर आपका RX मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो समझ लेना कि वो जो GX है ना वो फैक्टर है पॉलिनॉमियल PX का। ओके, सेकंड, जब आपके PX की डिग्री और GX की डिग्री दोनों के हम कंपेयर करते हैं, तो GX की डिग्री और PX की डिग्री में आप ये देख लो कि PX की डिग्री ग्रेटर देन है GX की डिग्री से, तो आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ PX माइनस डिग्री ऑफ GX, क्लियर, ये लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन फाइंड करना है वहां, अरे भाई डिवाइड करोगे तो यही करना पड़ेगा आपको। थर्ड है हमारे पास इफ डिग्री PX, अगर PX की डिग्री इस पॉलिनॉमियल की डिग्री और इस पॉलिनॉमियल की डिग्री दोनों कैसी आ जाए, इक्वल आ जाए, तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा QX वो कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, एंड डिग्री ऑफ RX जहां पर डिग्री ऑफ RX रहेगी रिमाइंडर की डिग्री वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ GX से। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट्स, कॉफिशेंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप के बारे में, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही होता है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ डिग्री के बेस पर ही इनके जीरोस डिपेंड होते हैं, डिग्री के बेस पर ही इनके जीरोस डिपेंड होते हैं ना बेटा। तो यहां पर क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, टू, तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, टू, तो टू जीरोस कौन से होंगे, अल्फा एंड बीटा। ओके, जब हम इन जीरोस का सम करते हैं, क्या करते हैं, हमारे पास टू जीरोस है अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए, और इन जीरोस का जब हम सम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिलता है हमें, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब तो क्या हो जाएगा, बी, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए। ओके, चलो जब आप इनको इनका प्रोडक्ट करोगे जीरोस का, मतलब कि जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म मतलब सी और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चलिए तो कॉन्स्टेंट टर्म सी अपॉन ए हो गया। अब आपको स्पेशल केस में ये याद रखना था कि जब आपके पास जीरोज गिवन हो और आपको पॉलिनॉमियल फाइंड करना हो, मैंने बताया था ना आपको कि अगर आपके पास कोई जीरोस गिवन है पॉलिनॉमियल्स के और आपको पॉलिनॉमियल फाइंड करना हो, तो क्या करोगे, आप डायरेक्ट उन जीरोस का सम कर लो, उन जीरोस का प्रोडक्ट कर लो और यहां पर इस कंडीशन में पुट कर दो, एफ एक्स इक्वल के कॉन्स्टेंट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा। ओके, जैसे ही आप देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, सम ऑफ जीरोस करोगे मतलब यहां पुट कर देना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे यहां पुट कर देना, तो आपको वापस से वो पॉलिनॉमियल फाइंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट, जीरोज और कॉफिशेंट के बीच में रिलेशन, लेकिन किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए। तो बेटा क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो होती है आपकी एफ एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, इन जीरोज और कॉफिशेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहां पर एक कंडीशन और आएगी आपके पास, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। ओके, क्लियर है, जब आप सम ऑफ जीरोज करते हो मतलब कि यहां पर जो जीरोज मिलेंगे आपको वो थ्री मिलेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, क्यों, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है क्यूबिक पॉलिनॉमियल की वो कितनी है बेटा, हमारे पास
है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ आपको वन बाय वन सारी चीजें। आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये सारे लेक्चर सब में आप स्टडी कर चुके हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम ऑफ द जीरोस की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि इन जीरोस का हम एडिशन करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस फॉर्मूले का बी का मतलब तो क्या हुआ? कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए से मीन हुआ यहाँ पर कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, देख लो। ओके, इसी तरह से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम और उनका प्रोडक्ट। ओके, तो उसके लिए मिलेगा आपको अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो यहां पर देखो फटाफट से, सी अपॉन ए, सी से तो मीन क्या है? कॉफिशियंट ऑफ, और ए से मीन है कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। कंपेयर कर लो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट करना, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है आपका माइनस डी अपॉन ए। डी से तो मतलब है कॉन्स्टेंट टर्म, और ए से मतलब है यहाँ पर कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, क्लियर है? और वापस से यहाँ पर भी आपके लिए जो एक स्पेशल केस था वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर आपको जीरोस गिवन हो तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो कैसे करोगे? उसके लिए आपके पास एक यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। मतलब कि आप एक बार तो सम कर लो और यहाँ पुट कर दो, प्रोडक्ट कर लो यहाँ पुट कर लो, और जो एक आपका थर्ड केस बच रहा है, मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ए टेकन टू टाइम्स, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लो। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं फटाफट से। फिर बेटा हमने डिस्कशन किया था ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल के ग्राफ्स के बारे में हमने, एक तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, और सेकंड था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, दोनों के ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कंसिडर ए लीनियर पॉलिनोमियल, हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो आप अगर इस एफ एक्स को क्या करते हो, लेट y इक्वल ए एक्स प्लस बी, तो जब आप इसे y के इक्वल मानते हो, क्यों? क्योंकि जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी ना। ओके, एक एक्सिस, सेकंड एक्सिस की वैल्यू फाइंड होती जाएगी आपको जब आप वन एक्सिस की वैल्यू पुट करोगे। तो यहां पर आपको जो ग्राफ मिलेगा बेटा, वो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। कैसा मिलेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। ओके, क्लियर है? जैसा कि मैंने यहां पर आपको पूरा कंप्लीटली दिया हुआ है। ओके, और आप याद रखना कि जब आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो लीनियर पॉलिनोमियल में ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर कट करेगी। कितने पॉइंट पर बेटा? वन पॉइंट पर। ये देख लो आप यहां पर कहां पर कट करेगी? वन पॉइंट पर। और उस वन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रहेंगे आपके माइनस बी अपॉन ए एंड जीरो। क्लियर है? माइनस बी अपॉन ए से तो मतलब है यहां पर एक्स एक्सिस, और जीरो से मीन है यहां पर वाई एक्सिस। ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है ना कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नेम से जानते हैं। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा बेटा, एक मिनट में पानी पी लेता हूं। ओके, इसका जो बेटा आपको ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? कर्व के शेप में मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा? कर्व के शेप में, जिसे हम पेराबोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेराबोला। मतलब कि इसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। ओके, या तो इस तरह से या इस तरह से। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ग्राफ आपको ऊपर की तरफ मिले तो वो होगा ओपन अपवर्ड, और ग्राफ अगर आपको नीचे की तरफ मिले, मतलब कि कर्व अगर आपको ऊपर की तरफ मिलता है, तो वो होगा बेटा आपका ओपन अपवर्ड। जहां पर ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू जो रहेगी जीरो से ग्रेटर देन रहेगी। अगर आपको कर्व नीचे की तरफ मिलता है, मतलब डाउनवर्ड में, तो याद रखना ए की वैल्यू आपकी क्या होगी? लेस देन होगी, किससे? जीरो से। क्लियर है? चलिए फिर, हमने इनके नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात किया था कि इनके जीरोस कितने, किस किस फॉर्म में मिलेंगे हमें। तो नंबर ऑफ जीरोस में देखो आप, अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, और उस ग्राफ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये पेराबोला एक्स एक्सिस को अगर टू पॉइंट्स पर कट करता है, कितने पॉइंट्स पर? टू पॉइंट्स पर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? टू होंगे इसके लिए। ओके, इसी तरह से ये तो बात हुई अपवर्ड की। अगर हमें डाउनवर्ड के लिए देखना है, अगर डाउनवर्ड के लिए भी
कोई हमारे पास ग्राफ है, उसमें कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा यहाँ पे आपके पास, 2 होंगे। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट था आपके पास कि जब कर्व एक्स एक्सिस को कट ना करे, ओनली टच करे 1 पॉइंट पर। कहाँ पर? 1 पॉइंट पर। देखो जैसे कि अपवर्ड की तरफ, ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड, तो यहां पर टच कर रहा है और यहां पर टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा यहां पर, 1 होंगे। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए और थर्ड कंडीशन ये थी आपके पास बेटा कि अगर आपको जो ग्राफ दिया हुआ है, मतलब कि जो कर्व मिल रहा है, वो कर्व एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ना ही अपवर्ड में ना ही डाउनवर्ड में, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वहां पर, 0 होंगे। कितने होंगे बेटा? 0 होंगे, नो जीरोस। ओके क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी बेटा आपके पूरे लेक्चर में, पूरे चैप्टर में, जिसे हमने ब्रीफिंग के साथ में पूरा स्टडी कर लिया है। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम कंटिन्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफी अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको काफी मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपने पूरे चैप्टर को स्टडी कर ही लिया है। ओके पर्टिकुलर लेक्चर वाइज भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार ब्रीफिंग किया है, पूरे चैप्टर का रिविजन किया है। ओके किसी भी तरह का आपको अगर डाउट है तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ओके बाय।